टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें, जिस तरह से इसराइल और फिलिस्तीन में लगातार 11 दिन तक बमबारी चली थी, इस दौरान करीब 265 लोग फिलिस्तीन में शहीद हो गए थे, जिसमें औरतें और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल थे। लेकिन दोनों देशों में अब जो है जंग को रोक दिया गया है, यानी युद्ध विराम लग चुका है। और आज मुमरा शहर में दारुल फलाह मस्जिद के पास एनसीपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने फिलिस्तीन में शहीद हुए तमाम औरतें और बच्चे जो शहीद हुए उनके लिए दुआ मांगी है। बहरहाल, जिस तरह से लगातार इसराइल जो है फिलिस्तीन पर हमले कर रहा था, जो हमले करके जमीन कब्जा कर रहा था, वहाँ जिस तरह से जो माहौल था उसको लेकर सारी दुनिया में जो है इसराइल का विरोध हो रहा था और लगातार विरोध का असर हुआ और इसराइल ने युद्ध को रोक दिया है। लेकिन जिस तरह से मुमरा शहर में आज एनसीपी के तमाम नेता कार्यकर्ता फिलिस्तीन में शहीद हुए लोगों के लिए यहां पर दुआ मांगी और दुआ मांगने के बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यदि माफी चाहूंगा कि मैं दुआ में लेट पहुंचा, क्योंकि पनवेल में मेरे कुछ रिश्तेदारों के हॉस्पिटल का मामला, तो मैं वहां था। लेकिन जितना जल्दी हो सका मैं कोशिश किया, लेकिन आ नहीं पाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सभी लोगों ने, बुजुर्गों ने, यहाँ के रहवासियों ने, शाकिर भाई ने दुआ की, अल्लाह ताला इन सभी दुआओं को कबूल करे और फिलिस्तीन के हक में अमन, चैन और उनकी कामयाबी के लिए हमेशा हमारी तरफ से दुआएं रहें। और फिलिस्तीन जैसे शहर के लिए, शायद दुनिया में कितनी दूर क्यों ना हो, लेकिन हमारी उनकी हमारी दुआएं और हमारे जज्बा हमेशा उनके साथ रहेगा। दुनिया इतिहास गवाह और इतिहास इस बात को जानता है कि ये वही फिलिस्तीन है जिसने, जब दुनिया इसराइल को भगा रही थी और मार रही थी, तब उन्होंने इस अपने इस शहर में उनको जगह दी थी। लेकिन हालात ये है कि जिन्होंने जगह दी, आज उन्हीं पे दादागिरी करके उन्हीं पे कब्जा करा जा रहा है, उन्हीं को मारा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ताज्जुब मुझे उन देशों पर होता है, उन देशों पे जो बच्चों पे मारने पर, औरतों पे मारने पर और बुजुर्गों पे मारने पर खामोश है। क्या ये टेररिज्म नहीं है? सबसे बड़ा टेररिज्म तो ये है कि आप किसी रहवासी इलाके में मारते, किसी मीडिया अल जजीरा जिस ऑफिस, जिस बिल्डिंग में जिनका अल जजीरा मीडिया का ऑफिस था, ऐसे कई ऑफिस थे मीडिया के, उनको टारगेट करते, रहवासी इलाकों को टारगेट करते। मतलब कहीं ना कहीं आप टेररिज्म फैला रहे, आप टेररिज्म के समर्थन में। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आज कल के उसमें पर दो दिन के अंदर में सीज फायर हुआ है। लेकिन उन देशों को खड़ा होना चाहिए कि ऐसे वक्त में जब कोविड से दुनिया जूझ रही है और ऐसे में आप खाली अपनी धौंस जमाने के लिए, एक शहर पर कब्जा करने के लिए, जो सुपर पावर भी नहीं उस पर अपनी दादागिरी दिखा रहे, तो इसकी निंदा करते हम निंदा करते और आने वाले वक्त में ऐसा ना हो ऐसी दुआ करते। लेकिन हम कितनी भी दूर रहे, हमारा फिलिस्तीन को समर्थन हमेशा जारी रहेगा, दुआ में हम जारी रहेगा। जिंदगी में वक्त रहा और अल्लाह ने कभी ऐसा मौका दिया, हम जितने आलम इस्लाम है, दुनिया के अमन पसंद लोग जो गैर इस्लाम वाले भी है, वो हमेशा अपनी जान देने के लिए, खड़े रहने के लिए, जहाँ भी तरीके से, जिस तरीके से भी, इस जगह से लेके वहाँ तक, हम अपनी दुआओं के जरिए हम तो ये भी दुआ करेंगे कि इंडिया को भी एक टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी समर्थन किया था और ये कहा था कि इसराइल को समझना पड़ेगा, जो फिलिस्तीन की कब्जे वाली जगह है, जो ज़बरदस्ती कब्जा किया, उसे छोड़ना पड़ेगा। जब बीजेपी के अटल बिहारी वाजपेयी ने, पूर्व प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने ये बात को कहा, तो उसी बात को लेके मैं उम्मीद करूंगा कि आज के प्रधानमंत्री भी उसी बात को फॉलो करें, ताकि इस देश में ये समझ में आ सके, दुनिया को ये समझ में आ सके कि छोटा से छोटा देश क्यों ना हो, अगर गैर तरीके से इस पर ताकत का उपयोग करके कब्जा करने की कोशिश किया जाएगा कि, तो दुनिया के अमन पसंद देश उसका समर्थन करेंगे, मैं यही उम्मीद करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, फिलिस्तीन के ऊपर जो इसराइल ने जो बमबारी की और जो उसके ऊपर जो जुल्म किया है,
तो उसके लिए अब उसके बाद जो अभी सीज फायर जो यूनाइटेड में जो मीटिंग हुई उसके बाद जो सीज फायर को बंद किया गया और हमास ने भी जो इसके मतलब गाजा में और इसके लिए जो मदद की थी तो बमबारी बंद की, तो एक तरह के से वो फलस्तीन की और गाजा की जो जीत थी उन्होंने भी जीत की खुशी मनाई थी। इसीलिए हमने यहाँ पर सारे उलमा और सारे जमींदार ने मिलकर जो है यहाँ पर दुआ का अहतमाम किया और दुआ का अहतमाम करके फलस्तीन की आफत के लिए हमने एक दुआ का इंतज़ाम किया गया था और इसी और शुक्राने की हमने इसलिए दुआ की ताकि फलस्तीन के आने वाले अल्लाह ताला जो है आने वाले फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म जो है उसके लिए आफत का मामला अता करें। इसी सिलसिले में हमने दुआ रखी थी और हमने थोड़ा सा एक दुआ का खुशी का एक इजहार किया है ताकि फलस्तीन के जो मतलब बमबारी बंद हुई और जो जंग जो ख़त्म हुई है उसकी खुशी का हमने एक छोटी सी दुआ का अहतमाम किया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी हाँ, हम लोग के जिम्मेदार की तरफ से दुआ का अहतमाम रखा गया था। दुआ इसके लिए कि फिलिस्तीन के लिए भी दुआ हुई और हमारे मुल्क में जो बला आफत चल रही है उसके लिए भी दुआ की गई कि अल्लाह हमारे मुल्क की भी और आलम के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। इसके लिए दुआ की गई क्योंकि एक कायराना हमला हुआ फिलिस्तीन का, आपने देखा कि 240-245 बच्चे औरतों के साथ में लोग मारे गए। एक अफसोस की बात है, कहीं पर भी जो है नाजायज हमला नहीं होना चाहिए, किसी भी मजहब किसी भी कौम के लोग है ज्यादती नहीं होना चाहिए। एक ज्यादती हुई, आज वो जो जंग है लोगों के प्रेशर से रोक दी गई है, बहुत खुशी की बात है। और आप देख रहे हैं कि जगह जगह पे उसकी खुशी मनाया जा रहा है, इसी वजह से छोटा सा यहाँ पे दुआ का अहतमाम रखा गया था, दुआ की गई और मिठाई बांटी गई उसकी खुशी में। और हम दुआ करते कि आलम में कहीं पे भी ना हक जंग का मुंह नहीं देखना पड़े और जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए हम लोग दुआ करते हैं, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम नसीब अता फरमाए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए और आलम के लोगों की जंग से अल्लाह हिफाजत फरमाए।